अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा मतलब कि हमारे घर में आज खीर पूरी बन रही है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर करें। हम आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की खीर है, मतलब जो नॉर्मली घर में बनती है वैसी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ ठीक, और बहुत मज़े की खीर बनेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोग के साथ पूरी खीर की रेसिपी शेयर करूँ इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर खीर बन रही है। 4 किलो दूध लिया है, इसमें 6 से 7 इलायची खोल कर डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, तो इसको हम इलायची डाल के जब तक पकाएंगे जब तक दूध में उबाल ना आ जाए, सही। ओके, तो 4 किलो दूध पे इसमें हमने 1 पाव चीनी डाल दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के लिए रख दूँगी जब तक इसमें कम्प्लीट उबाल ना आ जाए। और यहाँ पर चावल और साबुदाना बॉयल हो रहे हैं, इसको फिर हम ब्लेंड करेंगे और फिर इसके अंदर मिक्स होंगे। हाय करो, हाय करो, अरे हाय करो। वनीला कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से हल कर रही हूँ। रफान का मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे चम्मच का साइज है जो कि मैंने ये 10 स्पून दिए है। 4 किलो दूध है तो बिल्कुल क्वांटिटी आपको अच्छे से रखनी है जो है। और 1 पाव चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि उसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड होगा। आप जितनी ज़्यादा मीठा खाते हैं खीर आप उतना डालें, इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो आप अपने हिसाब से करें। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई बल ना रह जाए। ओके, तो इसमें चावल और साबुदाना डाल के अच्छे से मिक्स करते रहना है, चमचा चलाते रहना है। जो साबुदाना और चावल जो पीस के अच्छे से हमने ग्रेंड किया है वो डालना है और चमचा चलाते रहना है। साबुदाना 1 पाव और चावल 1 पाव उसको अच्छे से मैंने वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल होके फिर मैंने उसको ग्लेंड कर दिया। अच्छे से हमें इसको पकाना है खीर को और हिलाते रहना है, चमचा चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। इसकी थोड़ी देर बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। ओके, अब इस स्टेप पर हम वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। ओके, तो अब बिल्कुल कस्टर्ड पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका था। मैं इसमें ये कुमेल डाल रही हूँ, जो सबसे बड़ा वाला डब्बा है कुमेल का, इस साइज़ का बड़ा वाला मैं कुमेल का डब्बा यूज़ कर रही हूँ। इसको जो मैं पूरा डाल दूँगी क्योंकि चीनी इसी वजह से कम डाली थी, क्योंकि कुमेल ऐड होगी इसमें तो ऑलरेडी ये बहुत मीठी बन जाएगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से और कुमेल ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला बड़ा डब्बा यूज़ कर रही हूँ। इसको डाल दूँगी मैं पूरा और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएँगे। ओके, तो अब मैं इस खीर को ढक कर रख दूँगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। अगर आपको लगे कि खीर थोड़ी सी पतली है तो आप अपनी मर्ज़ी से वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 स्पून और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस सूरत में कि पतली है खीर गाढ़ी नहीं, तो आप ऐड कर सकते हैं ऊपर से। हम खीर पूरी बनाते बनाते हमें भूख लगी, अब हम आलू चिप्स खा रहे
ओके, तो ये हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी थी, इसमें हमने बादाम पिस्ते जो कटिंग करके रखे थे वो डाल दिए हैं। अब खोया जाएगा इसके अंदर, उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ में अब खोया ऐड कर रहे हैं हम, यूनाइटेड का खोया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं हसब ज़रूरत, जितना आप यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो हमारी खीर तैयार है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोकोनट डाल रही हूँ और थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निश के लिए। ओके, तो यह मज़ेदार खीर हमारी तैयार है। बोल बोल, अबे जाओ ना, आप पागल हो, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, आप गंदे बच्चे हो। उस्मान आओ, खीर अच्छी है, खीर अच्छी है, खावा है, हाँ, खत्म, फिनिश, अब हाथ धो लो, जाओ जाओ। ओके, तो हमारी खीर भी बन चुकी है, पूरियाँ भी बन चुकी है। अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ मेंशन कीजिएगा। हाय करो उस्मान। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहां पर मेंशन कर दीजिएगा रेसिपी शेयर करके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।